अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में कुवैत से जो सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, वो साथियों आ रही है इंडियन एम्बेसी से, यानी इंडियन एम्बेसडर से। साथियों, मैं जो भी खबरें आपको बताता हूं, मैं जेन्युइन खबरें आपको बताता हूं, कहीं से भी लाकर नहीं बताता हूं। वीडियो के सुन के दोस्तों, सबसे पहले आप खबर को यहां पे पढ़िए। खबर निकल कर आ रही है, इंडियन एम्बेसडर डिस्कस ट्रेड रिलेशनशिप विद फाइनेंस मिनिस्टर। साथियों, इंडिया के जो एम्बेसी हैं, जिनका साथियों आप नाम तो जानते ही होंगे, अभी नए इनको चौर पे चुना गया है, और कुवैत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच में कल के दिन मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में बातचीत की गई। अब साथियों, ट्रेड रिलेशनशिप क्या होता है, खैर इसके बारे में अच्छे से नहीं जानता दोस्तों, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, पर साथियों इंडियन एम्बेसी और इनके बीच में मुलाकात के दौरान दोनों के रिश्ते और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, और वर्करों को लेकर दोस्तों इससे फायदा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो कल के दिन ये मुलाकात हुई, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडियन के एम्बेसी के जो है चुने गए वो बैठे हुए, और एक तरफ फाइनेंस जो मिनिस्टर है कुवैत के वो बैठे हुए हैं। अगली खबर आ रही, मेजर लॉन्ड्रिंग रिंग विथ 120 मिलियन बस्टेड। साथियों, कुवैत में स्टेट सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट के तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान लगभग 27 जगहों पे ये छापेमारी की गई, और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भारी मात्रा में दोस्तों चीजों को जब्त किया गया। लगभग उसकी कीमत बताई जा रही है 120 मिलियन कुवैती दिनार। अब 120 मिलियन कुवैती दिनार साथियों कितना होता है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, इतना ज्यादा होता है दोस्तों मैं बता भी नहीं सकता हूं। तो 120 मिलियन कुवैती दिनार का मनी लॉन्ड्रिंग का जो सामान है वो जब्त किया गया है, जो कि इलीगल एक्टिविटी कुवैत में जो भी करते हैं उन लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो भी लोग इसमें शामिल थे अरेस्ट कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथियों, ये एक जगह की घटना नहीं है, लगभग ये 27 जगहों की घटना, और 27 जगहों से इतने चीजों को बरामद किया गया, लोगों को गिरफ्तार की गई। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथ में, बहुत ही बड़ी खबर है भाइयों। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मंगफ एरिया के एक बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। सबसे ज़्यादा इंडियन वर्कर वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे लोग जो थे वो बच गए थे, उनको बचाया गया, उन लोगों को एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल्स वगैरह में। इसके बारे में आप बाखूबी अच्छे से जानते ही होंगे। तो साथियों, जितने भी लोग बचाए गए थे, जिनको एडमिट कराया गया था, उनके परिवार वाले अब पहुँचना वहाँ पर शुरू कर दिए। तो खबरों को पढ़िए, रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉय इंजर्ड इन NBTC कैंप फायर टू अराइव कुवैत। यानी जो भी मरीज जो इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे, जो भी वर्कर, उन लोगों से दोस्तों मिलने अभी तक कोई नहीं आया था अपने मुल्क से, फाइनली दोस्तों वो लोग मिलने जो है पहुंचने लगे हैं, और ये खबरों को पूरा दोस्तों पढ़ भी सकते हैं। तो जितने भी लोग जिस कंट्री से थे, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, सभी लोग अपने अपने मुल्कों से अपने परिवार के, अपने बेटे के साथ, अपने शौहर को, जो मिलना चाहते हैं जाकर मिलना शुरू कर चुके हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, मिनिस्ट्री क्लोज 9 स्टोर इन सलमिया फॉर सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से कल के दिन सलमिया एरिया में लगभग 9 दुकानों को बंद किया गया, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, काउंटरफिट प्रोडक्ट को वो लोग बेच रहे थे। तो फिलहाल सभी को पकड़ लिया गया है, सभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जो भी लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे, और दुकानों को बंद करके सीज कर दिया गया, जैसा कि फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं, जो अधिकारी हैं वो बंद करते हुए, सीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे।